आज फैजपुर शहर के तानगर में मारूक हॉस्पिटल में एक आरोग्य शिविर रखा गया। इसमें जलगांव के सारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच की। इसमें प्रमुख डॉक्टर डॉक्टर नवीद मेमन MBBS MO मेडिसिन ने मरीजों की जांच की। इसमें डॉक्टर मुदस्सर नजर और डॉक्टर शबाना मुदस्सर नजर का भी सहयोग मिला। इसमें इस शिविर में जलगांव की टीम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश शेख, JS के शिवानी कोहली, ANS शुभंगी देशमुख, सौरभ निकम और रॉयल लैब के वासिक शेख, जुनेश शेख, शेख काशिफ, इन्होंने भी इस आरोग्य शिविर में अपना योगदान दिया। और फैजपुर शहर के कोहिनूर श्रमिक कामगार संगठन के अध्यक्ष शाकिर मलिक ने भी इस आरोग्य शिविर में योगदान दिया और मरीजों ने अपना मेडिकल चेकअप कराया। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात। आप अंदर सारा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी है और यहाँ क्या क्या चेकअप होने वाला है इस बारे में हमारे सारा हॉस्पिटल की डॉक्टर की टीम हमें बताने वाली है। मैं डॉक्टर नवेद मेमन सारा हॉस्पिटल से फिजिशियन वुमेन MBBS DNB मेडिसिन। क्या होता है कि जो शुगर और बीपी की जो बीमारियां होती है उसमें रोज़मर्रा में इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं रहती है। अगर बीपी कितना भी बड़ा है या शुगर कितनी ही बड़ी है तो उसमें तकलीफ़ कुछ नहीं रहती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर ना अपने ऑर्गन्स पर डैमेज चालू रहता है। किडनी पर डैमेज है, आँखों पर है, दिमाग पर है, नसों पर डैमेज, तो हर जगह वो चालू रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है। फिर जब पता चलता है लास्ट में, फिर टाइम भी नहीं रहता। फिर अचानक से हम बोलते हैं सुबह अच्छे खासे थे, नहाए, खाना वाना खाए और अचानक से गिर गए, हार्ट अटैक आ गया या पैरालिसिस हो गया, तो वो अचानक से नहीं रहता है। वो सालों साल चलती बीमारी जो हम कंट्रोल में नहीं रखते उसकी वजह से ये रहता है। तो भले अगर आपको कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं है, एक रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए कि है या नहीं वो चीज़, और अगर है तो उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है हमेशा। सारा हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। सारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जलगांव में एक 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। डॉक्टर मुदस्सर सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया कि फैजपुर की जनता को सेवा देने का। तो अभी हम लोग आए हैं और यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताई, तो यही सब जो बीमारियाँ है जो लोगों के अंदर है बट बाहर नज़र नहीं आती है, तो मुदस्सर सर को तो जनरली पता रहता है कि इनका ये ऐसा चेकअप करना है, तो आज हम लोग वही चेकअप कर रहे हैं। सारा हॉस्पिटल में क्या क्या सेवाएं मिलती है? सारा हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ICU 35 बेड का है और 3 ऑपरेशन थिएटर है। जनरल सर्जरी से लेके न्यूरो सर्जरी तक जो भी आता है, कार्डियोलॉजी वगैरह, सारे प्रकार के सुविधा अपने हॉस्पिटल में मिलती है। अब हम मारूक हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मुदस्सर नजर से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं सारा हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर मरीजों का चेकअप वगैरह कर रहे हैं। और फैजपुर की तरफ से एक ऐसी डिमांड भी करूँगा कि सर यहाँ पर एक अगर 15 डे या मंथली विजिट भी रखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और सारा हॉस्पिटल जो एक वेल नोन और बहुत ट्रस्टेड हॉस्पिटल है हमारे एरिए का, अगर वहाँ से हम जुड़ सके तो इसका फ़ायदा पूरे फैजपुर और परिसर को होगा। शुक्रिया। यहाँ पर अभी चेकअप चालू है और बहुत से पेशेंट बैठे हैं। सारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जलगाव करने आमची टीम इथे मोफत चेकअप करण्यासाठी आलेलो होतो आम्ही, आणि डॉक्टर मुदस्सर यांचे मारूक हॉस्पिटल मध्ये पेशंटची मोफत तपासणी, त्याच्यात ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG आणि वैद्यकीय मार्गदर्शन, सारा हॉस्पिटलचे MD मेडिसिन डॉक्टर नवीद मेमन सर स्वतः इथे तपासणी करता आहेत, आणि आम्हाला इथल्या गावकऱ्यांकडनं प्रचंड प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि सगळं अगदी शिस्तशीर व्यवस्थितपणे सर्व कॅम्प पार पडत आहे।